नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कपास अनुसंधान केंद्र सिरसा में कृषि विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कपास खेत दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कुलवीर सिंह ने किया। कार्यक्रम में सिरसा और फतेहाबाद के 200 किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में महिला किसानों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। महिला किसान उषा रानी और किसान कुलदीप सिंह ने बताया कि पहले भी वो हाइब्रिड बीज की किस्म को तैयार कर रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा जो किसानों के दल को नए नए बीज की किस्म की जानकारी देने के लिए गुजरात भेजा गया था, उनका उन्हें बहुत लाभ मिला। इसके साथ साथ किसानों ने बताया कि उन्हें बीज तैयार करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है, जिससे उन्हें गुजरात में आने वाला महंगे दामों का बीज नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि किसान खुद बीज तैयार करेंगे। वहीं कपास अनुसंधान केंद्र सिरसा के क्षेत्रीय निदेशक कुलवीर सिंह ने बताया कि हाइब्रिड बीज को गुजरात में तैयार किया जाता है और हरियाणा के किसानों को ये महंगे दामों पर मिलता है। बीज को तैयार करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया है और एक दल को गुजरात भेजा गया था, जहां पर उन्हें ये दिखाया गया कि यहां पर बीज किस तरह से तैयार किया जाता है और इसकी ट्रेनिंग भी दी गई। वहीं प्रगतिशील किसान उषा रानी ने बताया कि हम लोग खुद बीज तैयार करते हैं, ट्रेनिंग के बाद हमें बहुत लाभ मिला है। ये किसानों की आय दुगनी करने के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। वहीं कपास अनुसंधान में आए हुए 200 किसानों को मन महोत्सव कार्यक्रम के तहत डॉक्टर नरेंद्र यादव व डॉक्टर संदीप कुमार ने किसानों को पौधे वितरित किए और लगवाए भी। इसके साथ साथ किसानों को जल बचत के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं डॉक्टर कुलवीर सिंह ने कहा कि किसानों को अपने खेत के चारों तरफ अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि वर्षा को आमंत्रित किया जा सके। इतना ही नहीं, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को भी जारी रखते हैं और जो क्षेत्र गर्मी के कारण भारी गर्म रहते हैं, उन क्षेत्रों में अधिक पेड़ होने की वजह से ठंडक होगी और फसलों को कम से कम नुकसान पहुंचेगा। इस अवसर पर किसानों को अलग अलग कीटों के बारे में भी जानकारी दी गई। आए हुए किसानों को स्प्रे पंप भी वितरित किए गए, सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। ये जो बीटी बीज हमारा जिम्मेदार बीजता है, ये ज्यादातर बीज इसका गुजरात में बनता है और गुजरात में जो बीज आता है यहाँ पे तो बड़ा महंगा जिम्मेदार को मिलता है। तो हमने ये तकनीक हमने सोचा भी ये फार्मर हमारा हरियाणा का फार्मर खुद यहाँ पे बीज तैयार करे ताकि उसके वहां से गुजरात से बीज ना लाना पड़े। तो इसके लिए हमने 3 बैच बनाए 30-30 किसानों के और उनको 3 दिन की ट्रेनिंग दे के हमने इनको पारंगत किया। उस ट्रेनिंग के सारे एस्पेक्ट से हमने उनको अवगत कराया बीज कैसे बनाया जाता है। इसमें 2 पहलू होते हैं, एक इमेस्कुलेशन और पोलिनेशन का। तो जो जेनेटिक मेल स्टडी बेस्ड ये हाइब्रिड जितने भी हैं इसमें जरूरत नहीं पड़ती इमेस्कुलेशन की, बाकी कैसे है ना मेल पार्ट हटाया जाता है और कैसे उसके ऊपर पोलिनेट किया जाता है, ये टेक्निक हमने इसको लोगों को पहले बताई और फिर हमने खेत में इसका प्रैक्टिकल कराया। और फिर जिम्मेदारों को हमने कुछ कुल 31 जिम्मेदार हमारे यहाँ सरसा के गुजरात भ्रमण के लिए गए ताकि हम पारंगत जो लोग बाग वहाँ पे करते हैं इसका हाइब्रिड सीड बनाते हैं वो खुद देख सके उसको और खुद वो अपने हाथ से उसको करके देख सके उसका बेनिफिट, वो खुद जान सके इसका क्या फायदा होगा। इसलिए हमने उन जिम्मेदारों के लिए जो इनको हमने ट्रेनिंग दी उनके लिए आज हमने भी अपने काम स्टार्ट कर सके तो थोड़ा बहुत हमने हेल्प के रूप में स्प्रे पंप हमने आज वितरण करने के लिए बुलाया था, पिछले साल नहीं दे पाए थे, इस बार हम इनको दे रहे हैं। और मैं हाइब्रिड देसी कपास का बीज अपने खेत में तैयार कर रही हूँ। हाँ जी, इसके अपने खेत में खुद तैयार करके मैंने इसको आगे सप्लाई कर रही हूँ, जिससे हमें बहुत अच्छी इनकम भी हो रही है। और ये हाँ जी, ये डॉक्टर साहब ने पहले ये ट्रेनिंग दी थी जिसके अनुसार उन्हें वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे से इसके किसानों को जागरूक करने के बारे में बताया था और अच्छी वैरायटी बताई थी, हाइब्रिड देसी कपास और हाइब्रिड ये मरने के बारे में बहुत सुचारू रूप से बताया था। इन्होंने टूर गुजरात में भेजा था इन्होंने, जिसमें किसानों को बहुत अच्छे से बीजों के बारे में बताया था इन्होंने। डॉक्टर साहब ने आज वही सुचारू रूप से ये फसलों में जो कीटाणु आ रहे हैं उसके रोकथाम के बारे में इन्होंने हमें आज विस्तार पूर्वक बताया है, जिस भी किस कीटाणु के बारे में क्या बीमारी आती है ना, उसके लिए कौन सी स्प्रे कौन सा टाइम डालनी चाहिए, कम से कम लागत में अच्छी फसल कैसे निकाली जाती है, डॉक्टर साहब ने हमें पूरे विस्तार पूर्वक इस बारे में बताया। अरे यहाँ अमर डॉक्टर साहब ने वहाँ हम गुजरात लेके गए थे हमें और बीज बीटी बीज की बनाने की प्रक्रिया, जैसे बीटी बीज कैसे तैयार होता है। हमारे सिरसा में ये अभी बीज हम
अलग से दुकान से खरीदते हैं और गुजरात में वो अपना बीज बना के और हरियाणा तक भी भेजते हैं। क्यों ना हमारा किसान भी यहाँ सिरसा का भी बीज अपना आप तैयार करे और सभी किसानों को दे, उसमें हमारी खेती के अंदर बचत भी होगी और हमें आमदनी भी होगी। तो हमने गुजरात देखा सिस्टम भी बनाने का भी, बीज कैसे बनाते हैं और जो भी फीमेल और मेल है उनकी प्रक्रिया कैसे करते हैं, हमें डॉक्टर साहब को अच्छी तरह हमें बताया, पूरा सिखाया गया और प्लेलिक करके भी दिखाया गया हमें वहाँ, और हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। और मैं हवारी हूँ डॉक्टर साहब का भी जो हमें गुजरात लेके गए नई तकनीक के साथ बेनिफिट ऐसा होगा सर, जैसे हमें 700 या 750 का पैकेट खरीदना पड़ता है और एक एकड़ के अंदर 2 या 3 से पैकेट डालने पड़ते हैं, तो हम आपका खुद का तैयार करें तो उसका सर आधा से कम खर्चा हमारा तैयार हो जाएगा जी 20।